नहीं भैया, ये कुछ तो गलत एडिटिंग हुई है, ये वाक्य नहीं बन रहा है ना। संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया क्षमता के आनुषंगिक है। पुरानी पुस्तक है, क्या लिखा है भैया इसमें? सेम ही लिखा है पहले से, तो वो पहले लिखने में ही गड़बड़ हुई है। ओह, ये क्या हो सकता है कि वो कॉपी पेस्ट करते हुए कट करते हैं ना, तो वो गलत जगह इंसर्ट हो गया कोई वर्ड, पता नहीं चला। ऐसे हो सकती थी भाषा, शायद संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक प्रक्रिया क्षमता व्यवस्था के आनुषंगिक है। खैर देखूंगे कभी, तो अभी छोड़ दीजिए और बताइए कोई स्पष्टीकरण का बिंदु। सर अभी जैसे ब्रेक से पहले कुछ बातें हो रही थी, जैसे सतयुग का परफेक्शन जैसे चल रहा था टाइम, उसमें इनपरफेक्शन हो गया, तो मतलब सीक्वेंस कुछ ऐसे होनी चाहिए थी जैसे पहले भूतकाल फिर द्वापर युग। पहले भूतकाल, भूतकाल सॉरी मतलब ये कलयुग, कलयुग फिर द्वापर युग, त्रेता युग, फिर सतयुग, फिर कंटिन्यूटी। हाँ ऐसा कुछ, ऐसा हो तो समझ में भी आता है। हाँ फिर वो ये अभी ये रिवर्स हो रहा है, जैसे सतयुग फिर अभी हाँ, कलयुग ऐसा उल्टा हो। हाँ तो तार्किक नहीं है, इतना ही तो बोला बस। अब क्योंकि वैसे कंटिन्यूटी में ऐसे देखने जाए तो फिर वो समझ में नहीं आता है, जैसे परफेक्शन था तो फिर इसमें इम्परफेक्शन कैसे हो गया, कैसे आ गया, या फिर कैसे कैसे रिवर्स प्रोसेस हो गई। ठीक बात, तो अधिक विकसित से कम विकास की ओर जाने का कारण क्या बना? हाँ वही ठीक, पर अपना चर्चा का मतलब भैया इसी को रखते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं, और जैसा है वो प्रस्ताव है एक, बताइए। ये संस्कार पूर्वक बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया क्षमता के आनुषंगिक है, उसमें जो हम प्रक्रिया और क्षमता के बाद जो व्यवस्था बनती है वैसा सोच सकते हैं, वही जो सेम। क्या पेज था ये? 49 ना। संस्कार पूर्वक की बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया और क्षमता के आनुषंगिक है, 48 पे ना, संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया क्षमता के अनुशंकित है। प्रक्रिया से ही क्षमता का अर्जन किया तो बौद्धिक व्यवस्था होगी, तो प्रक्रिया क्षमता बाद में बौद्धिक व्यवस्था, वैसे अनुशंकित के वैसा सोच सकते। संस्कार पूर्वक ही, इसका क्या अर्थ होगा फिर? मतलब परिमार्जन, संस्कार के परिमार्जन से। हाँ, से बौद्धिक व्यवस्था, बौद्धिक व्यवस्था, बौद्धिक व्यवस्था क्या क्या मतलब हुआ इधर? जो व्यवस्था है
उसकी पहचान है वो बुद्धि। हाँ भैया, तो ऐसे तो कुछ निकाल सकते हैं यार, लेकिन ये अटपटा तो लग ही रहा है ना, सहज नहीं है। हाँ, उसके नीचे क्या है? देखिए ना, हाँ तो देखिए वो आया ना, बौद्धिक प्रक्रिया। तो वही तो व्यवस्था गलत आ गया इधर ऊपर, अगर लगते संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक प्रक्रिया व क्षमता व्यवस्था के आनुषंगिक होंगे, ऐसे ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो पर देखते हैं, आत्मा अर्थात मध्यस्थ क्रिया के आनुषंगिक बौद्धिक प्रक्रिया व व्यवस्था में सत्य संकल्प एवं सत्य कल्पना पूर्ण मानसिकता की स्थिति पाई जाती है, जो प्रसिद्ध कर्म उपासना ज्ञान पूर्ण है। वही नहीं नहीं उसको देखे ठीक से पढ़िए, इसमें लिखा है आत्मा के आनुषंगिक बौद्धिक प्रक्रिया व व्यवस्था में सत्य संकल्प। व्यवस्था में सत्य संकल्प है, तो व्यवस्था जो है वो किसी मतलब संपूर्ण जो सार्वभौम व्यवस्था है उसके प्रति जो संकल्प है उसकी बात हो रही है ना। हाँ माइक दीजिए। तब ऐसा कुछ मान समझ सकते हैं कि भाई जो यहाँ पे लिखा है ना, व्यस्तता प्रक्रिया क्षमता आत्मा के अनुसंगिक है, मानव सहज ऐषणा एवं विषय की सीमा में, मतलब जब तक मानव सहज ऐषणा और विषय में जीते तब तक वो प्रवृत्ति और निवृत्ति पर व्यस्त होना, प्रवृत्ति और निवृत्ति व्यस्त होना दिख रहा है। जब आत्मा के अनुसंगिक बौद्धिक प्रक्रिया व व्यवस्था होगी तभी जाके जो वो जीने में वो जो आता है, या लेकिन नहीं भैया देखिए ना, देखिए संस्कार पूर्वक ही, तो इसको भी जोड़ना है हमने पूरा। फिर बौद्धिक प्रक्रिया को ले लेते हैं तो व्यवस्था का गलत आ गया इधर, तो व्यवस्था कहाँ जाएगा फिर? तो बौद्धिक प्रक्रिया क्षमता तो समझ में आता है, अब किसके आनुषंगिक है ये? आत्मा के आनुषंगिक। तो व्यवस्था तो क्या ये, अगर व्यवस्था की जगह आत्मा करें तो संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक प्रक्रिया क्षमता आत्मा के अनुषंगिक है। कहाँ पे? हाँ, ऐषणा सक्त बौद्धिक व्यवस्था में मानवीय तथा देव मानवीय स्वभाव प्रकट होता है। किस चीज के आनुषंगिक है? नहीं सोचना पड़े, सोचते हैं कल दे बताते हैं। हाँ वो तो ठीक है, डैश का तो देखिए इसके अंदर जो डैश वैश है बहुत उससे नहीं है, तो हाँ वो ठीक है, ऐसा पढ़ा जा सकता है, पर वो किस चीज के आनुषंगिक हैं? संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था प्रक्रिया क्षमता नहीं, क्या ये सेंटेंस नहीं बना ना, संस्कार पूर्वक ही बौद्धिक व्यवस्था के आनुषंगिक, किस चीज के आनुषंगिक हुआ? तो के फिर गलत आ गया, फिर तो आनुषंगिक होना चाहिए।
हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं इसको पढ़ लेता हूँ एक बार, फिर उसके बाद जवाब देंगे। पूरा पढ़ना ही पड़ेगा इसको भैया। 35 पेज पे है, फिफ्थ पैरा। सभी जीवन अपने अपने स्वभाव से संपन्न है, यही उनकी प्रतिष्ठा है, इससे अधिक उनमें से स्वभाव प्रकटन संभव नहीं है। जी तो इसमें क्या जानना चाहते हैं भैया? जैसे हम ज्ञानावस्था में स्वभाव की बात करते हैं तो धीरता के बाद वीरता, वीरता के बाद उदारता आएगी। हाँ, धीरता वीरता उदारता मानव चेतना का स्वभाव, दया कृपा देव मानव चेतना का स्वभाव। हाँ, तीन स्टेप तो हो गए, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। तो इससे अधिक उनमें से स्वभाव प्रकटन संभव नहीं है। हाँ, मतलब वो परिमार्जन हुए बिना, मतलब जो जिस स्थिति में है, मान लीजिए वो दिव्य आत्मा है या देव आत्मा है या मानव आत्मा है या जीवात्मा, तो जीवात्मा है वैसा ही स्वभाव प्रकट करेगी। अब उसको उससे अधिक करना है तो उसमें परिमार्जन होना पड़ेगा। तो उस संभावना तो है ही ना, मैं ये बोल रही हूँ। तो यहाँ तो हम ये ऐसा है कि संभव नहीं है, उनमें से स्वभाव प्रकटन संभव नहीं है इससे। इसको पढ़ लेते हैं ऊपर वाले से, फिर जोड़ के देखते हैं, है ना। तो इसमें लिखा है दिव्य आत्माओं की उपासना ही विद्या, देव आत्माओं की उपासना ही उपविद्या, तथा भूत आत्माओं की उपासना ही शूद्र विद्या है। दिव्य आत्माओं की उपासना जागृति पूर्वक भ्रम मुक्ति सहित बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए, देव आत्माओं की उपासना बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए, एवं भूत आत्माओं की उपासना केवल भौतिकता के लिए किया जाना प्रसिद्ध है। सभी जीवन अपने अपने स्वभाव से संपन्न हैं, यही उनकी प्रतिष्ठा है, इससे अधिक उनमें से स्वभाव प्रकटन संभव नहीं है। केवल भौतिकता ही मानव के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि मानव में पाए जाने वाले पुरानी पुस्तक में भी यही है भैया क्रम। यहाँ पे भैया ऐसा हो सकता है ना कि दिव्य आत्मा, देवात्मा और भूतात्मा, ये सभी जीवन अपने अपने स्वभाव से संपन्न है, यही उनकी प्रतिष्ठा है, और इससे अधिक उनमें से स्वभाव प्रकटन हो नहीं सकता। हाँ, अभी आते हैं क्या हो सकता है उस पर। भैया उस पुस्तक में मिला आपको कहाँ है? अच्छा, सेम है ना। इसका जो एक आशय है दीदी, वो देख सकते हैं हम। देखिए इसमें भाषा आई है सभी जीवन। अब ये किस जीवन की बात कर रहे हैं? जिनकी उपासना हो रही है ना। अब जो जीवन है, या तो मानव जीवन बोलते हैं तो मानव के साथ, जैसे आप और हम जीवन है ना, तो जो परिवर्तन होता है वो मानव रूप में ही हो सकता है, मानव परंपरा के रूप में ही है, उससे अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं है। तो अभी उपासना जिनकी हो रही है वो या तो दिव्य आत्मा है, देव आत्मा है या भूत आत्मा है ना। तो जिस स्वभाव से वो संपन्न है उससे अधिक उनमें संभावना नहीं है, इतना कह रहे हैं। अगर वो शरीर यात्रा करके उसको परिमार्जित करते हैं तो फिर अलग बात है, पर उस जीवन रूप में जब तक रहेंगे वो जिस स्वभाव से संपन्न है उसी में बने रहेंगे। ये इसका ये स शरीर वालों की बात नहीं है, अशारीरिक वालों की बात है सबकी।
हाँ वही वही कन्फ्यूजन का कारण बना, क्योंकि ऊपर तो आत्मा या तो ऊपर भी दिव्य जीवन देव जीवन और भूत जीवन करते, तो फिर वो ठीक हो जाता, और इधर अशारीरिक कहीं पे आना चाहिए था जीवन के साथ ब्रैकेट में अशारीरिक जिनकी उपासना हो रही है। ठीक है और बताइए, समय हो गया, चलिए ठीक है। तो कल कैसे करेंगे, कल रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 3 अध्याय से स्टार्ट करना था हमें। भाई आप क्या कह रहे थे, परमाणु में विकास हो गया था, अच्छा तो परमाणु में विकास नहीं हुआ आप लोगों के साथ, चर्चा नहीं हुई है, हमारी हुई तो थी मेरे ख्याल से, मैंने सब तो लिखा था इधर, नहीं इनिशियली ऐसा बोला था मैंने, परमाणु की बात बाद में करेंगे, पर हमने बाद में कर ली थी, मैं तो पूरा चार्ट बनाया था इधर, हाँ उसके बाद यहाँ पे पूरा डायग्राम वगैरह बनाया था, सब कुछ तो किया था। सब बातें हुई थी, प्रस्थापन विस्थापन की, भूखे अजीर्ण है ना, सारी तो बात हुई थी, लिखा हुआ है आपने ना, ये क्या है, हाँ हाँ अब मेरे को इधर से दिख नहीं रहा है। पिछली बार हमने ना ये अध्याय 3 में फर्स्ट टॉपिक हो गया है परमाणु संरचना एवं अणु रचना, फिर विकास क्रम विकास हो गया है, और परमाणु में विकास और परावर्तन प्रत्यावर्तन, और 16th नंबर हो गया है, आपने से टिक करवाया था कि ये कवर हो गए उसके। अच्छा तो अब अपना मन स्वस्थता का स्वरूप, हाँ वहाँ से बाकी है, ठीक है तो कल इधर से शुरू करते हैं। तो कल पेज 66 से रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है, थैंक यू।